हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऋचा। मैं आज आपके लिए लाई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी ऑरेंज फेशियल, जो कि बहुत ही अच्छा फेशियल है। आपके चेहरे को एकदम ब्राइट कर देता है, जो आपकी डलनेस है वो भी दूर कर देता है और आपके चेहरे को एकदम ग्लोइंग बना देता है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये बहुत ही अच्छा फेशियल है, आप ज़रूर कीजिए। और ये कोई भी एज ग्रुप के आप कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के आप कर सकते हैं, लेकिन बस 18 से लेकर आप किसी भी एज ग्रुप के आप लोग कर सकते हैं। ये आप तो जानते ही है, विटामिन सी होता है ऑरेंज में, और जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होता है, तो इसको हमें करना चाहिए। कभी कभी ऐसा अच्छा होता है, कर लेना चाहिए। अब आप देखिए कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, कैसा बना रही हूँ और मैं कैसे लगा रही हूँ, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए मैं आप शेयर करती हूँ कैसे बनाया है मैंने, ये भी मैं दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले इसमें चार प्रोसेस होते हैं। पहले चार इसमें क्या कहते हैं, चार चीज़ों को इसको मैं यूज़ करूँगी। फेशियल में तो आपको पता ही है कि चार स्टेप्स होते हैं। पहला क्लिंजिंग, स्क्रबिंग और मसाजिंग, और उसके बाद फेस पैक। तो ये सब चारों प्रोसेस होंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेंदी भी हो सकता है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं कि इसको करना कैसे है। ऑरेंज फेशियल के लिए हमें चाहिए, ये एक ऑरेंज है, ये मैंने एक ऑरेंज को पील कर लिया है और इसके ये निकाल लिए हैं, ऐसे इसकी बीज भी निकाल लिए हैं। इसका ऑरेंज जूस भी चाहिए और कुछ छिलके भी चाहिए हमें। तो मैं कुछ ऑरेंज का जूस निकाल लूँगी और कुछ दोनों ब्लेंडर में पीस लूँगी, छिलके के साथ इसके रस को पीस लूँगी और इसका कुछ रस निकाल लूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं लेकर आती हूँ इसको पीस कर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फेशियल करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लिंजिंग बनाऊँगी, क्लिंज करने के लिए चेहरे को। तो पहले लूँगी दूध, ये रॉ मिल्क है, ये 2 चम्मच मैं ले लूँगी। टू स्पून ले लूँगी मैं ऑरेंज जूस और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध में लैक्टिक होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मिक्स कर लिया मैंने। क्लिंजिंग के लिए चाहिए मुझे ये कॉटन बॉल और ये मैंने क्लिंजिंग बनाया है, ये लूँगी मैं। अब मैं इसको एक क्लिंजिंग ले लूँगी पैड और इसमें डिप करके मैं चेहरे को अच्छे से क्लींस कर लूँगी। इसमें तो आपको पता ही है ऑरेंज जूस है और लैक्टिक एसिड है इसमें, जो मैंने दूध लिया है कच्चा दूध, तो मैंने वही लिया है इसमें। और इसको अच्छे से क्लींस करना है क्योंकि आपके चेहरे पर बिल्कुल डर्ट ना रहे, पोल्यूशन बिल्कुल भी, डेड स्किन जो आपके जो ओपन पोर्स हैं वो ओपन हो जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। और इसको लगा के आपको 2 मिनट 3 मिनट, जैसे आप जब ये सूख जाए तब आपको दूसरा प्रोसेस करना है। इस तरह से लगा लीजिए। आपको जब तक लगाना है ये अच्छे से साफ ना हो जाए, तो ठीक है मैं लगाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, दूसरा प्रोसेस करूँगी तब। अब मैं स्क्रब बनाऊँगी, स्क्रब के लिए लेना है मुझे ये, मैंने चावल का आटा लिया है, इसको मैंने बिल्कुल फाइन लिया है, बिल्कुल दरदरा नहीं लेना है, इसको अच्छा फाइन वाला लेना है जो अच्छे से पिसा हुआ हो, महीन, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है तो मैं उस तरह का ले रही हूँ। और अगर ज़्यादा मोटा ले लेंगे तो हमारी स्किन पर रैसेज आ जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा मोटा नहीं लूँगी, इसी तरह का लेना है आपको। और फिर मैं इसमें ऑरेंज जूस मिला लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं ऑरेंज जूस के साथ। चावल का आटा हमारे स्किन को ब्राइट करता है, अच्छे से स्किन में अच्छे स्किन को वाइटनेस देता है, चमक आ जाती है हमारी स्किन पर, इसके लिए ये हमारा बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। चेहरे पर जब हम इसको लगाते हैं, स्क्रब करते हैं, तो अच्छे से डीपली क्लीन कर देता है। इसको ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो मैंने क्लींस किया था वो सूख गया है,
मैंने धोया नहीं है, सिर्फ सुखाया है। अब इसी पर मैं स्क्रबिंग कर लूँगी। ये मैंने स्क्रब बनाया था, इसमें जूस और चावल लिया था, चावल का आटा। इसको अच्छे से मैं रब करूँगी 2 से 3 मिनट। फेस मसाज के लिए चाहिए मुझे पल्प, मैंने बनाया था ना, मैंने पहले बता चुकी हूँ, वही मैंने लिया है। इसको इसको 1 चम्मच मुझे लेना है, और इसको भी लेना है, इसमें 1 चम्मच ये भी ले लूँगी मैं जूस। 1 चम्मच मैंने जूस डाल लिया। अब मैं इसको थोड़ा दूध भी डाल लूँगी, दूध पाउडर है ये आपको ना मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे डालना है तो मैं डाल रही हूँ। बस इतना ही डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं स्क्रब कर चुकी हूँ, मैंने फेस वॉश कर लिया है, फिर से धोकर आ गई हूँ मैं। अब मैं मसाजिंग करूँगी अपने फेस पर। जो मैंने मसाज वाला वो बनाया था ये है। इसमें मैं शहद डालना भूल गई थी, हनी, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हनी ऐड कर लूँगी मैं, थोड़ा ही डाला मैंने। देखिए, जैसे मैंने पल्प लिया है, बहुत अच्छा है इसके लिए चेहरे पर। जब मैं इसको लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से मसाज होगी। मैंने फाइन पेस्ट बनाया है इसका, आपको भी अगर अगर आप फाइन पेस्ट ना बने तो उतना भी चलेगा, लेकिन मेरा अच्छे से पेस्ट बन गया है। तो मैंने शहद डाला है, इससे आपकी जो डलनेस होगी, जितनी फाइन लाइंस होंगी वो भी इससे दूर हो जाएंगी और हाइड्रेट हो जाएगा आपका चेहरा। ये आपको 10 से 15 मिनट मालिश करनी है, 10 मिनट तो करनी है मसाज। ये थोड़ा मैसी हो सकता है तो आप संभल के कीजिएगा। चलिए, मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलती हूँ। अब मैं बनाऊंगी फेस पैक। फेस पैक के लिए मुझे चाहिए ये पल्प लूंगी मैं, ये ऑरेंज पल्प है, वही वाला जो मैंने अभी मसाज के लिए लिया था, वही है ये। बस मुझे इतना ही लेना है और फिर मैं लूंगी लिक्रिज पाउडर। इतना ले लूंगी, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जैसा आपको चेहरे के हिसाब से आप ले सकते हैं। सॉरी, फिर मैं लूंगी आटा, व्हीट फ्लावर, फिर मैं लूंगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल, दो से तीन बूंद लेना है। ये देखिए गिर नहीं रहा है, इसलिए मैं ले रही हूँ, इसे डाल रही थी। फिर मैं लूंगी टर्मरिक एसेंशियल ऑयल,
ये भी 4 ड्रॉप लिया मैंने। फिर मैं लूंगी जूस, और इसमें मुझे कॉफी डालनी है। ये कॉफी का पाउच मिलता है, वो आप ले लीजिए अगर आपके पास ना हो तो। इसको खोल लूँ मैं। इतना ही लेना है। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूंगी, फिर मैं आपके सामने लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मालिश कर ली है, मसाज हो गई है मेरी। अब मैं फेस पैक लगाने जा रही हूँ। तो मैंने जितनी भी चीज़ें डाली बहुत अच्छी है फेस के लिए। आप इस पैक को ज़रूर बना के लगाइए। अगर आपको फेशियल नहीं करना है तो आप इस पैक को ऐसे भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि फेशियल ही करें तभी आप इस पैक को लगा सकते हैं। आप इस पैक को 15 से 20 मिनट आप रखिए चेहरे पर। अब फेशियल से आपकी जितनी भी टैनिंग होगी फेस पर, आप इसको आर्म्स पर भी कर सकते हैं। जहां आपको ब्लैकनेस नज़र आ रही है वहां आप कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहीं कर सकते हैं, आप यहां भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आंखों के पास, आंखों के अंदर ना जाए। इसको 20 मिनट तो आपको रखना ही है, जब तक अच्छे से सूख जाएगा तब तक आप इसको रखिए। और इसको अच्छे से सुखा सुखाने के बाद फिर ऐसे रब करके हटाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे, जब तक ये सूख जाता है तब मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सूख गया है हल्का हल्का। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। और इसमें पता ही आपको लिक्विज पाउडर डला है, जिससे कि आपकी स्किन पर अच्छा सा इफेक्ट आएगा और आपकी डलनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका ब्राइट हो जाएगा चेहरा। और मैंने जो इसमें टिटरी ऑयल डाला है वो आपकी स्किन में जितने भी एक्ने पिंपल्स के निशान होंगे, एक्ने पिंपल्स को ये रोक देगा। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। और मैंने टर्मरिक ऑयल डाला है क्योंकि इसमें अगर आपके फेस पे एक्ने या पिंपल हैं तो वो नहीं होंगे और आपकी जो एक्ने पिंपल को ट्रीट करेगा टर्मरिक एसेंशियल ऑयल। चलिए मैं अब इसको मैं धोकर आती हूँ, वॉश कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा चेहरा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेशियल कर लिया है। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेरे फेस पर क्या डिफरेंस है। आप खुद देख रहे हैं कि अब मेरा कितना चीज शाइन कर रहा है फेस। और आप अगर नहीं यकीन करते हैं तो आप पहले जो मेरा स्किप करके देख सकते हैं इंट्रो वाला, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना अच्छा हो गया है इस फेशियल से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये फेशियल कैसा लगा और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। और उसके बाद मैं अब क्या करूँगी, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बस अब ये वाला जो एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा होता है, फिर मैं उसको ऐसे करके लगाऊंगी और ऐसे ही छोड़ दूंगी रात भर के लिए। मैं ये रात में ही कर रही हूँ फेशियल, ताकि फेस को अच्छा सा आराम मिल सके और डर्ट पोल्यूशन से दूर रह सके, फेस एकदम रिलैक्स रहे। इसके लिए मैं रात में ही कर रही हूँ ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, बाय। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं। बाय बाय फ्रेंड्स।